30 सितंबर को अचलपुर परतवाड़ा में श्यामा पहलवान की हत्या हुई और उनके समर्थकों ने उत्पात मचाते हुए शहर में तोड़फोड़ की और अपनी नाराजगी दो सामान्य नागरिक मोहम्मद अतीक मोहम्मद रफीक सैफ अली मोहम्मद कलामुद्दीन की जान लेकर जाहिर की। जब तक पुलिस हरकत में आती तब तक इन उत्पातियों ने अपना पूरा गुस्सा जुड़वा नगरी के व्यवसाय एवं सामान्य नागरिकों पर निकाला। पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर अचलपुर परतवाड़ा में धारा 144 1 अक्टूबर की दोपहर 3 बजे तक लागू की थी, किंतु 1 अक्टूबर को 3 बजे के बाद फिर से धारा 144 24 घंटों के लिए बढ़ा दी गई है। तीनों मरने वालों का अंतिम संस्कार शांतिपूर्वक वातावरण में हुआ और मुस्लिम समुदाय का जन सैलाब मोहम्मद अतीक एवं सैफ अली की अंतिम यात्रा में नजर आया। ये जो कल की घटना घटी ये बहुत ही शर्मनाक बात है, इंसानियत के नाम पर धब्बा है। अब जो घटना घटी ये जो अवैध धंधे कर रहे हैं ये युवा सरकार ये इन लोगों का पर्सनल मैटर था, इन्होंने आपस में लड़े उसमें मरे, इसमें आम पब्लिक का क्या दोष है? इंसानियत के नाम पर धब्बा है। हमारी मिली जुली जो तहजीब है जो हम लोग सब साथ में रहते मिल जुल ये घटना नहीं होना चाहिए। और जो इसको बढ़ावा दे रहे इन पर अंकुश लगने को है, इन पर कार्रवाई होने को है। परतवाड़ा में हुई ये वारदात के आरोपियों में से अब तक 11 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अचलपुर परतवाड़ा शहर इस समय पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। हर चौराहे पर पुलिस एवं सुरक्षा बल तैनात नजर आ रहे हैं। कारोबार एवं जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। जुड़वा नगरी में जहां एक ओर सभी निजी अस्पतालें बंद है तो दूसरी ओर उससे भी ज्यादा तकलीफ वाली बात यह है कि सभी दवाइयों की दुकानें भी बंद है। नागरिकों को दवाइयों के लिए खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर हरि बालाजी ने अचलपुर परतवाड़ा की घटना के जांच हेतु 5 टुकड़ियां बनाई है जो आरोपी और घटना के संदर्भ में छानबीन में अपने काम पर लग गई है। गुनहगारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएंगी ऐसी बात भी पुलिस अधीक्षक डॉक्टर हरि बालाजी ने कहा है। फिलहाल परतवाड़ा अचलपुर पुलिस द्वारा भी इस मामले को बारीकी से जांचा जा रहा है और इस समय अचलपुर परतवाड़ा में हालात पूरी तरीके से पुलिस के काबू में है।